Bismillahirrahmanirrahim. alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10. The name of our unit is Habitat and week is week number 1. We are on SLO number 2. So according to SLO number 2, the students will be able to define the term Habitat. So bache jo hain is... Uh, ऐसे लोग को जब पढ़ेंगे तो बच्चे जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि वो नेचुरल हैबिटेट या हैबिटेट के बारे में बता सकें उसको डिफ़ाइन कर सकें कि एक हैबिटेट क्या होता है एक नेचुरल प्लेस होती है जहां वो तमाम चीज़ें होती हैं Uh, जो कि एक लिविंग थिंग के लिए जरूरी होती है चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो ह्यूमन बींग्स हो सो so, हैबिटेट्स uh, uh, के बारे में बच्चे जो हैं इस एस को पढ़ के जानेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वॉट यू विल डू इज आपने इस एस को केयरफुली पढ़ना है पढ़ने के बाद आपने इसको अपनी जी के टू या साइंस टू की बुक में ढूंढना है ये कौन से पेज नंबर पे लिखा गया है उसके बाद आप पेज नंबर यहाँ नोट डाउन करेंगे इन ब्लैंक में यहां आप अपनी बुक का नेम लिखेंगे आफ्टर दैट वॉट इज आपने इस क्यू आर कोड को स्कैन करना है जो कि सेकेंड क्यू आर कोड है गिवन विद एस एल ओ आपने क्यू आर कोड के साथ अटैच वीडियो को गौर से देखना है देखने के बाद ही आप जो है इन टास्क को कम्प्लीट कर सकेंगे जो कि इस एस एल ओ के साथ दिए गए हैं तमाम टास्क को आपने केयरफुली कम्प्लीट करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कम्प्लीट करना है इन टाइम कंप्लीट करना है एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू थैंक यू सो मच एंड